क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा देखा होगा। जी हाँ गाइज, इस समय हमारे भारत में रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा है जिसमें मुंबई और बड़ौदा के बीच मैच खेला गया और इस मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जी हाँ गाइज, एक समय मुंबई की टीम 337 रनों पर 9 विकेट गंवा दिए थे, फिर मुंबई की तरफ से नंबर 10 और नंबर 11 के लिए बल्लेबाजी करने तुषार देशपांडे और तनुष कोटियान मैदान में आए और इन दोनों ने खतरनाक बल्लेबाजी की और मुंबई के स्कोर को 569 रनों पर पहुंचा दिया, जिसमें तुषार देशपांडे ने 123 रन बनाए जबकि तनुष कोटियान ने नाबाद 120 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और 78 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरी बार यह कारनामा हुआ है कि एक ही पारी में 10वें और 11वें नंबर के बैटर ने शतक जड़ा हो। मजेदार की बात यह है गाइज कि पहली बार भी यह कारनामा दो भारतीयों ने ही किया था। समय था 1946 जिसमें इंडियंस और सर्वे के बीच मैच खेला गया। उस दौरान चंदू सरवाटे और सुते बनर्जी ने यह कारनामा किया था। गाइज, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।